मध्य प्रदेश का नेता दिग्विजय सिंह क्या करता है कि पीएफआई का ये बोलता है, एनआईए को खिलाफ बोलता है, नहीं नहीं पीएफआई का लोग 97% निर्दोष है। अरे अगर 97% पीएफआई लोग निर्दोष है तो ये बम कौन फुटाता है? क्या आप जाके फुटाता है क्या? वो लोग नहीं फुटाता है तो आप लोगों को फुटाना पड़ेगा। अगर ये पीएफआई लोग कोई दोष है ही नहीं, वो लोग एकदम आपका घर का बच्चा मुन्ना जैसा है तो ये बम कौन फुटाता है क्या? कांग्रेस का लोग जाके फुटाता है क्या? तो दिग्विजय सिंह को मैं पूछने का मेरा मन में होता है, मेरा सर अच्छा संबंध है, आजकल मैं ज्यादा फोन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पूछने का मन होता है कि राजा जी अगर ये पीएफआई लोग बम नहीं फुटाता है तो आपका पार्टी का लोग जाके बम फुटाता है क्या? ये आप बात बोलिए। आज देखिए अमित शाह जी ने पीएफआई लोगों को सरकारी मेहमान बना दिया, अभी भारत में कहीं बम भी नहीं फूटता है, कुछ भी नहीं होता है। कम से कम मोदी जी को तो इसके लिए आप बोलिए। कांग्रेस का समय में जाके सांसद में भी घुस जाते थे और मुंबई में भी हमला हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस का लोग पाकिस्तान को जवाब नहीं देते थे। क्यों नहीं जवाब देते थे? आर्मी का पास तो अस्त्र शस्त्र तब भी था, तब भी हमारा पास विमान था, तब भी हमारा पास आर्टिलरी था, तो आप क्यों पाकिस्तान में हमला नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो कि भारत के अंदर जो पाकिस्तानी है वो लोग आपको खराब ना पाए, इसलिए आप लोग पाकिस्तानी को आप लोग हमला नहीं करते थे। अभी मोदी जी का समय में पाकिस्तान से कोई लोग आया, हमारा सीआरपीएफ का साथ मतभेद किया, सीआरपीएफ का शहीद हुआ, मोदी जी ने सुबह बम फेंक करके पाकिस्तान को ठंडा कर दिया, भाई हिसाब बराबर हो गया शिक्षक। ये किसलिए हमने किया? किसलिए? देश का पाकिस्तानी का वोट हमें नहीं चाहिए। अगर देश का पाकिस्तानी का वोट हमारा प्यारा होता था तो हम भी नहीं कर सकता था। तो अभी तो मैं तो आसाम में खुल्लम खुला बोल देता हूँ, भाई साहब आप लोग रहिए, आप लोग क्या वोट वोट नहीं चाहिए, आप लोग रहिए, खाइए, मजा कीजिए, लेकिन कोई वोट वोट हमें नहीं चाहिए। हम अपना दम पर जीतेगा और अपना दम पर भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाऊंगा।